ये उड़ान गाजियाना, ये उड़ान फातिहाना, तेरे शहपरों के नीचे ये जमीन ये जमाना, तेरी बर्क बेमुहावा, तेरी सहल बेकी, इसी शान से उड़े जा अस सितारा आसमान। स्विट्जरलैंड क्या है पाकिस्तान के सामने? कुछ भी नहीं। इतनी खूबसूरत जगह, इट्स इनक्रेडिबल। मेरे पास तुम हो फैसल राव। मेरे पास तुम ही हो। हाँ हाँ, मैं तो कह रही थी कि मुझे छोटा बैग मेरे लिए काफी है। नहीं, मेरा बैग यहाँ रेडी है। हाँ, दिखाएं। Where is your bag? My bag is ready. Where? Oh, a small bag for you and the huge bag for me. और मेरी चीजें फिर भी इसमें नहीं आ रही है, जाना चार दिन के लिए। फैसल राव, I love you because you pack so nicely. And this is me, all set to go for our very short trip to Malan Jabba. Short trip, 4-5 days short trip होता है ना, लेकिन hassle उसमें इतनी ज़्यादा है, जाना चार दिन के लिए, और लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम कितने 3 महीने के लिए जा रहे हैं। मैंने को मेरे 12 जोड़े तो मैंने रख लिए हैं, और ये पुफी जैकेट्स और इतना मोटा मोटा सामान विद द नेक वार्मर्स, लेग वार्मर्स। हाय, वो मेरा रह गया थर्मल। थर्मल का आई लव बीइंग मैरिड because it's so much help, and especially जब आपके हस्बैंड इतने हेल्पफुल हों, जो माशाल्लाह आपको टाइम पे तैयार करवा दें। मुझे पता है कि आज मैं फर्स्ट टाइम आई विल बी एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम, होपफुली। वैसे वी आर लेट स्लाइटली, क्योंकि मुझे बीच में अपना यूट्यूब आउटसेल का कोई काम याद आ गया, मैंने उसके लिए 4 कॉल्स की, फिर मैं लैपटॉप पे बैठ के अपने कुछ चीज़ें चेक करने लग गई। फैसल साहब, आर यू रेडी? आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, हर चीज़ का ना एक तरीका है, इवन क्या कहना चाहिए इसको, कॉर्ड को रैप करने का, देयर इज अ वे। यू नो मैंने किया था, ठीक नहीं है। व्हाई शुड यू पैक लाइक दिस? ऐसे इससे उफ, इसके बाद तो मुझे दुकान को वापस कर दूं। ऐसे ये दिन कॉल। अच्छा, मैं कितनी दफा कितनी दफा मैं बैग खुलवा चुकी हूं? 7 दफा। आई कीप फॉरगेटिंग समथिंग। बैग पैक कर लूं? कर दो, फिर खोलो, फिर पैक करो, फिर खोलो, फिर पैक करो। आपको अपने इंतखाब पे फखर है? ये चेक करो सर। तो, जी ऐसे ना मुझे तुम देखो, कोई पॉसिबल हो सकता है सीने से लगा लूंगा तुमको, मैं चला लूंगा तुमसे। Quite possible. And going to -7. Exactly. Oh, I'm gonna miss the kids. Meow. I look so bad. Kino, I'll miss you. Mwah. Why are you so dressed up for the airport? Is it an overlook? It's your show clothes. Hey. Razor powder करना तो। क्यों ना तुम क्यों razor से भाई के बाल काटोगे? हैं? खबरदार, हाथ ना लगाना किनू के बालों को। Hi. Kiyo. Bye bye. Ah, can you dance? Can you dance? Yeah. Go for football. Ah, dance, dancey. Ah, kya hua? Main over kahan lagi? Aise main over lagi. This is my airport look. Oh my god. अच्छा, हम लोगों ने प्लान बनाया था कि वी विल ट्रैवल लाइट, और हमने बड़ा लाइट ट्रैवल कर रहे हैं। एक्सट्रीमली लाइट। दो बड़े सूटकेस, एक्चुअली एक बड़ा सूटकेस, एक मीडियम सूटकेस, एंड देन वन हैंड कैरी। हैंड कैरी एंड वन। हाँ, वो डोनट्स हैं जो मैंने यहाँ के बड़े मशहूर एक जगह के, तो वो मैं लेके जा रही हूँ बहन के लिए, उसके बच्चों को बहुत पसंद है।
प्लस अब्बा के लिए, और अब्बा के लिए हम एक वो पोस्चर वाली चीज भी लेके जा रहे हैं ना, पोस्चर करेक्टर, वो भी लेके जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? मीठा बोल बड़ा अनमोल। हाँ जी, उदित कर बोला मिलता है। बट बिस्मिल्लाह, आराम से भाई, ये रखिए जरा गैप रखिए। हाय हाय हाय। तो द प्लान इज सच, लेट्स गो थ्रू द प्लान। वी विल बी इन इस्लामाबाद फॉर वन नाइट, वी आर स्टेइंग इन अब्बास, नॉट आवर हाउस। तो we'll be at Abbas for a few hours for one night, and then morning hum 8-9 o'clock we will leave for Malam Jabba. Theek hai, so Malam Jabba jayenge, we're only going for two nights, should be enough. So na kuch bahut zyada nahi, kuch wahan karne ko, two nights bahut hai, nahi kam hai, kam hai. वैसे आप इतने मशहूर हो गए हैं, मैं जब काउंटर पे आती हूँ आपके साथ ट्रैवल कर रही होती हूँ तो सब जरूर पूछते हैं आपके हस्बैंड जा रहे हैं ना साथ। मैं कहती हूँ हाँ, साथ जा रहे हैं। जी, आप तो साथ साथ ही जाना है। अफ तो जिंदगी भर का साथ है। हाउ रोमांटिक इज दैट? यस। अच्छा, हम लोग वी वर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो हम जल्दी निकले और हम एक्चुअली जल्दी आ गए। अब 1 hour 40 minutes एक्स्ट्रा है। बैठेंगे आराम से बातें करेंगे। भैया आपकी साजिश थी ताकि अकेले हम बैठ के ना गपशप लगाएं। ये चेक करें, माशाल्लाह शादी को टाइम ही कितना हुआ है, चंद ही हफ्ते हुए हैं। मैं नहीं रहा हूँ, मेरे कंधे आ रहे हैं, मेरे कान बड़े थे ना। मम्मी से बात करें, मम्मी की कॉल आई है। मम्मी उफ, मम्मी दो नाड़ियों में मैं फंस गई हूँ। आप यकीन करें मेरी कमर रह गई, इन्होंने 2 घंटे लगाए एंट्री में, लेकिन इन्होंने इतना लंबा, इतना खींचा, इतना। क्या मतलब? मुझे लग रहा था न्यूज का शो है। After 2 hours of flight, finally in Islamabad. How was the flight? मैं इस फ्लाइट को बोलने वाला नहीं हूँ। जिस फ्लाइट पे हुआ ना ये, मैं वहाँ मालूम जब जाके बताऊँगा कि हुआ क्या। ओके, समथिंग अनप्लेजेंट हैपेंड इन द फ्लाइट। अभी एयरपोर्ट से एक अब्बा का घर इज अबाउट 40 मिनट्स। जी, वेरी स्मूथ फ्लाइट, लैंडिंग वाज अमेजिंग, परफेक्ट। किसका साथ फ्लाई कर रहे थे? हाँ, ये बात, ये आपके, ये कौन से सीनियर थे, आपके टीचर थे? हाँ, मेरे इंस्ट्रक्टर थे। हाँ, जो फ्लाइट कैप्टन थे, इनके फैसल के इंस्ट्रक्टर थे। मैं वैसे बड़ी सेफ फील करती हूँ एयरक्राफ्ट, बिकॉज़ आई नो आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ पायलट। हालांकि पायलट कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ बैठ गया। एंड टुडे फैसल इज गोइंग टू बी स्टेइंग इन द हाउस वेयर आई ग्रू अप। मेरी वहाँ बहुत यादें हैं, पिक्चर्स हैं। तो फैसल, अगर किसी को पता चल गया, 15 साल पहले फैसल इस घर के आगे चक्कर लगाया। चक्कर तो पता भी नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं था। हालांकि आप भी करीब ही रहते थे, पर हम कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले। यूज्ड टू लिव इन सिविल लाइंस, मैं हार्ले स्ट्रीट में, 10 मिनट्स हार्डली ड्राइव है मुश्किल से, शायद 7 मिनट्स भी, एंड वी नेवर मेट। कभी टेस्टी आइसक्रीम भी नहीं मिले, कभी चिप्स भी नहीं मिले, कभी नहीं मिले। रोज वहाँ का रास्ता, लेकिन नहीं मिले। जी, तो नाउ आई एम इन पिंडी हार्ले स्ट्रीट अब्बा के घर में, और अब्बा से मैं मिल रही हूँ तकरीबन 1 महीने बाद। अब्बा से इस्लाम, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, हाँ जी, अब आउट स्टाइल के लिए इस माय अब्बा, और एक सेकेंड जी अब्बा, और वहाँ सादिया की आवाज़ें आ रही हैं। अल्लाह किया, बहुत दिनों के बाद वैसे भी चक्कर लगा, माशाल्लाह, बहुत दिन, 1 month बाद। और अब्बा का क्या खिला रहे हैं मुझे अभी? स्पेशल कुछ भी नहीं, कबाब हैं बस, कबाब है, कढ़ाई है, कढ़ाई भी बस ऐसे ही है कि पता नहीं पसंद आती है। और इनको सबने शो में, मैंने इनका बता रही थी अब्बा का कोरोना का, कि इनको कोरोना हुआ। पापा, आप अभी आपने अपनी स्टोरी भी बतानी है। वो पता नहीं, बैठे एक दिन ऐसे ही टेम्परेचर कुछ हुआ तो वो टेस्ट करवाया, तो और भी बहुत से 9-10 टेस्ट हो गए CMH में, और पता चला बाकी सब चीजें ठीक हैं।
वो पॉजिटिव आ गया बस। तौबा तौबा, पापा आपके क्या सिम्टम्स क्या थे? कुछ भी नहीं था, टेम्परेचर हल्का सा था। हाँ। तो वो मैं तो उस टेम्परेचर के सिलसिले में CMH गया, उन्होंने वो टेस्ट सारे कर लिए, 8-10 टेस्ट कर लिए। हाँ। और बस फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट लेने नेक्स्ट डे गया हूँ तो उन्होंने कहा आपका तो केस पॉजिटिव है। आपको हेडेक होता था ना बहुत ज्यादा? नहीं था उस दिन, मतलब हल्का सा टेम्परेचर भी था और कुछ हेडेक भी था। हाँ। तो बस ऐसे ही होना था। और मेरा ख्याल है कि वो 14 दिन जो मैंने अपने कमरे में गुजारे, वेरी कम्फर्टेबल, बहुत आराम से, बहुत रेस्ट किया फिर मैंने। और ये सब लोग ये कहते थे कि तुम्हारी सेहत तो 14 दिनों में बहुत अच्छी हो गई है ना, माशाल्लाह, सुपरमैन, माय डैड इज अ सुपरमैन। तो बस देखो। तो बेस्ट बात इस ट्रिप की ये कि मैं इधर आई हूँ, मैं अब्बा से मिल रही हूँ, फिर मैं अम्मी से मिलूंगी, फैसल की अम्मी से। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट कि पेरेंट्स से मुलाकात हो जाती है माशाल्लाह। है खालू जी के साथ उस्मान, उस्मान ये हेयर कट कितना चेंज, मजे का एक से करा है मामा ने करवाया था, आई थिंक माय हैंडसम नेफ्यू उस्मान, अजान्स बेस्ट फ्रेंड। यस। फैसल साहब, आर यू टायर्ड? नो। यू ओके? रेडी फॉर डिनर? यस, इंतजार कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लोग निकल चुके हैं मालूम जब्बा के लिए और अपने तमाम किस्म के गैजेट्स को हमने चार्ज कर लिया है। मैं आपको बताऊं, टेक की दुनिया में जो सबसे हैपनिंग गैजेट्स हैं फॉर व्लॉगिंग, वी हैव देम विद अस। आई एम इंप्रेस्ड। मैं अपने कैमरा से इतनी इंप्रेस थी, और मैं जब फैसल की एक्सेसरीज देखी है सारी, और कैमराज एंड टेक कलेक्शन, गैजेट कलेक्शन, उफ, I am more impressed. मैंने कहा मेरा तो शौक बहुत ही बेसिक था, ये तो बहुत एडवांस चल रहे हैं। नहीं नहीं नादिया, I'm very glad कि नादिया का भी वही टेस्ट है जो मेरा टेस्ट है। मैंने क्या कहा था कि जब आपका एक टेस्ट हो तो आप एंजॉय करते हैं, तो मुझे नादिया को ये नहीं बताना पड़ा कि ये करना वो करना है, एवरीथिंग वाज अवेलेबल। एक आज सुबह नादिया का जो कैमरा भी मैं चार्ज कर रहा हूँ, ये वाला लेटेस्ट मिररलेस कैमरा, बहुत हाईटेक कैमरा है मेरा। और फैसल के पास बताएं क्या है, यू हैव द ओरिजिनल GoPro? GoPro, या एक्शन कैमरा। एक्शन कैमरा, अभी पता नहीं क्या क्या एक्शन होने हैं, लेकिन ये कि स्कीइंग वगैरह तो हो रही है, तो वी कैन कवर दैट। सो आई हैव नेवर यूज्ड अ GoPro, आई एम वेरी एक्साइटेड कि आई विल बी यूजिंग दिस GoPro फॉर आई डोंट नो फिल्मिंग व्हाट। तो 5 hours की जर्नी होगी, विच इज द लॉन्गेस्ट आई हैव डन इन ईयर्स। मैं बिल्कुल बाई कार जर्नी से बहुत घबराती हूँ, थक जाती हूँ। दिस इज वेरी, आई थिंक हम लोग पहुंचेंगे अराउंड होपफुली बाय 3, वी विल मेक इट बाय 3। हम इस वक्त मोटरवे पे चल पड़े हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत जरूरी एक्टिविटी चल रही है, और ये देखें ये काम भी चल रहा है। अब YouTube अकाउंट बना तो लिया, उसको चलाना आसान काम नहीं है। मैंने उनको कहा है चल के आराम से बैठ के बात करेंगे और इसका भी कोई हाल निकाल लेंगे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मुझे अभी खत्म करना है, मोटर वे पे देखना है। पता नहीं कैसे देख लेती है मैं। कुछ लोग नहीं, मूविंग कार में व्हेन दे सी। हाँ जी, लिसन, ये GoPro पे मैं कैसे आ रही हूँ, मैं लुकिंग प्रिटी स्लिम। विशाल मोटर वे पे अभी हम ये टोल प्लाजा पे हम आ गए। वेलकम टू इस्लामाबाद एंड पेशावर रोए। कितना टोल देना पड़ता है राज भाई? ये तो आगे जाके देंगे जी, 140 इधर है और 160 आगे स्वाद वाले। ऐसे पहुंच जाएंगे वहां। कितनी देर रहेगी? यही कोई 4 घंटे 30 मिनट। अभी थोड़ी सी शॉर्ट ब्रेक ली है हम लोगों ने, ये यहाँ पर अभी दिखाएंगे आपको। हेलो, ये देखो, मैंने दिखाएं। मैं परेशान हूँ कि मैं इस हाल में
अब यहाँ उतरी हूँ और मुझे पहचाना लोगों ने, इस तरह को कैसे किसी को पहचान सकता है कि मैं नादिया खान हूँ या मैं टॉम क्रूज हूँ, कैसे पता चलेगा? चल लेंगे अंदाज से। नहीं था, चल तो खुद ही तो कहा था पेंगुइन की तरह चल रही। आवाज से आई थी। नहीं, आवाज कहाँ से आई थी? मैं बात कर रही थी किससे? हेलो हाय कर रही, किससे? लड़की जो निकल रही है गर्ल्स, तो फिर पता चल गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा नादिया खान है। अरे भाई कैसे पता चल रहा है इसमें नादिया खान है? कैसे पता चलता है? चले चले। ओके, इस वक्त हम सेंट्रल बाजार से गुजर रहे हैं और हेडिंग टुवर्ड्स बंगोरा। भूख लगी है और मैं मुझे खाने चप्पल को आ। आपने क्या खाना है? I'm scared I'll get sick if I eat something. चल क्या करूं फिर मैं, मुझे भूख लगी है यार। ताज भाई आए, खाना खाएं आप। आज क्या है खाने में जी? जी सलाम जी, क्या है खाने में जी? जी छबड़ी कबाब है, दाल माश है, चने है, आलू पालक है, निहारी है, चिकन वाला केमा है, मटर केमा है। क्या खाएंगे? एक पाव करें चपली कबाब करें। आपने क्या खाना है? चने की दाल है या चना है? चना चना वो जो पीस बनाता है। हाँ हाँ अच्छा वो निहारी कर दें। रोटी गर्म होनी चाहिए जी। लेक की कॉन्सेप्ट चेक करें, इनके लेक की क्या कॉन्सेप्ट है। आइए जी देखते हैं चपली कबाब कैसे बन रहे हैं। ये जी वी हैव अ चप्पल कबाब हियर और इसके साथ ये चिकन की निहारी है और ये चने। दिस इज द बेस्ट निहारी आई हैव एवर हैड। रोटी देखें कितनी जबरदस्त रोटी है। ये हलीम की तरह निहारी। चलिए जी खाना हमने खा लिया और लेट्स गो। जी नादिया को भुट्टा खाना है, इसमें मसाला लगा दो थोड़ा सा। भुट्टा सारे एक लगा दे एक में। Thank you.
we are. We just crossed Sawat and now we're in Malam Jabba. Malam Jabba. इतनी खूबसूरत जगह पे इतनी खूबसूरत अपनी बीवी के साथ मैं यहाँ पर हूँ। So I am so thankful to them. आप लोग समझते हैं स्विट्जरलैंड इज हेवन ऑन अर्थ? यहाँ आए जरा आके देखें, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट। ये जो खूबसूरती है कहीं नहीं। You're so lucky. You are so lucky. Very much.